फिर स्क्वायर लेग साइड में खड़े एम्पायर के बगल से निकालना चाहते थे लेकिन सफलता नहीं मिली बैट्समैन राजेश को। अपने रन अप पर तैयार, कई क्षेत्र रक्षकों के माध्यम से गेंद बॉलर तक पहुंचाई जा रही है। अगली गेंद करने के लिए तैयार, ये गेंद अच्छी गेंद, उसे स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से निकाला है। तो इस बहाना हालांकि वहां पे फील्डर मौजूद, फील्डर जब तक तो गेंद को फील्ड करता तब तक दौड़कर दो रन पूरे कर लिए गए हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये ग्राउंड है रेलवे का, काफी खूबसूरत ग्राउंड। हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा है, हमने पानी में भी मछलियों को तड़पते देखा है। इसी बीच गेंद पूरी तरीके से बीट हुए एम्पायर और लेग साइड में गेंद, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल व्हाइट। हमने पत्थर से भी फूलों को निकलते देखा है, हमने पानी में भी मछलियों को तड़पते देखा है। रूप का चांद जो बादल से नहा कर निकला, हमने ऋषियों को भी आसन से फिसलते देखा है। स्क्वायर लेग एम्पायर के ऊपर से इस गेम को खेला था, दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। बहुत अच्छी रनिंग बैटमैन द विकेट, अंपायर काफी चुस्त तंदुरुस्त। इसी बीच एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर चार रन। उमेश भाई की हेयर स्टाइल अपना जलवा बिखेरती हुई, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल है। सेकंड अंपायर के रूप में अंपायरिंग कर रहे हैं अभी वो। फील्डिंग में कुछ तब्दीली देखने को मिल रही है, राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, राइट हैंड के बॉलर राउंड द विकेट बॉलिंग। एक स्लिप एक थर्ड मैन के साथ ये गेंद, और उसे कट करना चाहते थे, गेंद ने बैट का बाहरी किनारा लिया और विकेट कीपर तक गेंद कैरी नहीं हुई, अन्यथा नतीजा कुछ और होता। छिटक गई गेंद विकेट कीपर के हाथों से, कोई रन नहीं। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षक, काफी अच्छी फील्ड सजाई है लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज के लिए। चले उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, उठा के खेलना चाहते थे, उसको बीट हुई, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। बहुत अच्छी ये गेंद, उठा के मारना चाहते थे उसको लेकिन बीट हुए, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं। पहले ओवर की समाप्ति पर चार रन। प्रदीप नायक का पहला ओवर समाप्त, जिसमें चार रन खर्च किए उन्होंने। अच्छा ओवर, सीमित ओवरों का खेल है, कम रन जिस ओवर में बनते हैं वो ओवर बहुत ही अच्छा माना जाता है। नए बॉलर नेम किरण, नए बॉलर किरण अपने रनअप पे तैयार, राइट हैंड बैट्समैन के लिए, राइट हैंड बैट्समैन। ये गेंद, एम्पायर का इशारा नो बॉल, पहली गेंद और ये नो बॉल, नो बॉल, इस पे फ्री हिट मिलेगी। क्रिकेट के सारे नियम लागू हैं इस टूर्नामेंट में, कोई भी नियम ऐसा नहीं है जो इस क्रिकेट से छूटा हो, इस क्रिकेट के प्रारूप में सारे नियम जुड़े हुए हैं। सॉरी, अभी हमारे साथी स्कोरर ने बताया कि एलपीडब्ल्यू के नियम को छोड़कर बाकी सारे नियम लागू हैं। राइट हैंड ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, डेड बॉल करार देनी चाहिए लेकिन एम्पायर ने उसे नो बॉल करार दी, अनुभवी एम्पायर है। कई टिप्पे लिए गेंद ने कीपर तक पहुंचने के लिए, फिर से नो बॉल। एक और अतिरिक्त रन, एक और अतिरिक्त बॉल फेंकनी पड़ेगी बॉलर को। बॉलर की रन, बैट्समैन अंकु के लिए, ये गेंद और उछाल दिया है अंकु ने उसे,
राजेश पवार, सॉरी राजेश पवार ने उसको हवा में उछाल दिया। गेंद हालांकि ज्यादा लंबा सफर नहीं तय कर पाई, गेंद स्क्वायर लेग एम्पायर के सर के ठीक ऊपर खड़ी हो गई जाके, और जब तक दो फील्डर वहां पर पहुंचते गेंद जमीनी टिप्पा ले चुकी थी। इस बीच दौड़कर दो रन पूरे किए। पवार का अच्छा शॉट होता अगर गेंद में कुछ लंबाई दे पाते। चलो अंकुश के लिए गेंद, अच्छी गेंद, उसे लेग साइड में ग्लांस कर दिया है गेंद, चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन सीमा रेखा से बाहर, चार रन। सारे फील्डर खड़े देखते रह गए सोले की कालिया की तरह, और बसंती अपना तांगा निकाल ले गई उनके बीच से, और चार रन बढ़ता हुआ स्कोर, बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन इस चौके की मदद से। बहुत ही अच्छा ग्लांस, खूबसूरत शॉट, दर्शक काफी खुश, राजू भैया काफी खुश, हमारे आयोजक महोदय काफी खुश इस शॉट से, बहुत ही अच्छा शॉट। राजेश पवार के लिए ये अगली गेंद, और फिर उसी दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन चूके गेंद वही छिटक के रह गई, कदमों से टकरा के गेंद वही छिटक गई। बहुत अच्छा प्रयास बॉलिंग का, और अब तक अपना दबदबा बना के रखा है इस ओवर में। हालांकि एक बहुत ही दर्शनीय शॉट देखने को मिला है, बॉलर चले उनकी ये गेंद, खराब गेंद, एक और खराब गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल का। अभी तक इस ओवर में कई गेंद हुई, सिर्फ तीन गेंदे हुई हैं अभी तक इस ओवर में, तीन गेंदे शेष। अगली गेंद करने के लिए किरण तैयार, उनकी ये गेंद, और उछाल दिया है उसे लेग साइड में स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से गेंद, छह रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर, ये जबरदस्त सिक्सर, काफी लंबा सिक्स। पहला ओवर जिन्होंने डाला ना प्रदीप ने, वो महाराष्ट्र पुलिस में काम करते, और इस शॉर्ट थर्डमैन पे छोटा लड़का खड़ा है ना, उनका लड़का है वो। हमारे साथी कमेंटेटर ने अभी अभी बताया, जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की तरफ से एंड्रू फ्लावर एंड ग्राउंड फ्लावर, दो भाई भाई एक ही साथ एक ही टीम में खेलते थे, उसी प्रकार हमें यहाँ पिता और पुत्र की जोड़ी देखने को मिल रही है। क्या अच्छा सुहावना दृश्य पिता और पुत्र का। बॉलर किरण चले राउंड द विकेट, अपने रन को चेंज किया, एंगल को बदला, और उनकी ये गेंद, जोरदार अपील की अंपायर से, मेन अंपायर पर उस अपील का कोई असर नहीं। प्रदीप नैनी तो डॉन जो पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने पुत्र के साथ मैदान में उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन बगैर किसी नुकसान के, दो ओवर की समाप्ति पर 19 रन। कुछ पुराने क्रिकेटरों की यादें ताजा कर रहा हूं कि युवराज मोंगिया कैप में भी कुछ कम नहीं है दम, राहुल है नाम भरोसे का जो काम हमेशा आता है, सहवाग की आतिशबाजी का जलवा कहर बरसाता है। उसी प्रकार बैटिंग देखने को मिल रही है, अंकुश लोहार लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बहुत अच्छा संभाल के रखा है अपने क्रीज को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, उनका टीम का तीसरा ओवर प्रगति पर चलने वाला है कुछ ही पल में। धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, विकेट कीपर से रुकी नहीं गेंद, थर्ड मैन पर पहुंची है, और थर्ड मैन के छोटे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बैट्समैन ने दौड़ के एक रन पूरा किया। अच्छा प्रयास थर्ड मैन पर खड़े फील्डर का, निगाहें पूरी तरीके से गेंद पे जमा के रखी है फील्डर ने, बहुत अच्छा खेल देखने को मिला छोटे फील्डर के द्वारा।
राइट हैंड बैट्समैन के लिए उनकी ये गेंद। अच्छी गेंद, उठा के मारना चाहते थे, गेंद बैट पे आई नहीं, कदमों से टकरा कर गेंद बॉलर ने अपने ही पोलोथों में फील्ड किया, लेकिन इस बीच एक रन लेने का मौका दोनों बैट्समैनों के पास, दोनों बैट्समैनों ने अपना छोर बदला, इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21 विदाउट लॉस। बहुत अच्छी खूबसूरत मालगाड़ी हमारे स्टेडियम के ठीक सामने से गुजर रही है, अच्छा और सुहाना दृश्य देखने को मिल रहा है, बहुत ही मनभावन दृश्य। बॉलर चले अपनी अगली गेंद लेकर, ये गेंद और उसे उठा के मारना चाहते थे बैट पर, पूरी तरीके से गेंद आई नहीं, वही छिटक के रह गई, ज्यादा लंबा सफर तय नहीं किया गेंद ने, लेकिन इस बीच मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास अपना छोर बदलने का और वही किया, इसके साथ एक रन और जुड़ गया उनके स्कोर में, टीम के टोटल स्कोर में, उनके व्यक्तिगत स्कोर में एक रन का इजाफा होता हुआ टोटल टीम का स्कोर 22 रन। डॉन चले राइट हैंड बैट्समैन के लिए, ये गेंद काफी अच्छी गेंद, लेग स्टंप के पर कर आप स्टंप की तरफ आप कटर हुई और वो बैट्समैन का स्टंप ले उड़ी गेंद, इस तरीके से पहले विकेट का पतन होता हुआ, बहुत ही अच्छा जबरदस्त कमबैक, डॉन का पहला विकेट लिया अपनी टीम के लिए। स्टंप हवा में झूल गया गेंद लगने के बाद, इसका मतलब बैट्समैन आउट है, इस तरीके से पहले विकेट का पतन हुआ, पहला विकेट दिलाया है डॉन ने अपनी टीम को, अपनी टीम के तरफ से टॉस किया था डॉन ने और टॉस जीता भी, पहले बॉलिंग का फैसला लिया। तीसरा ओवर प्रगत पर है उनका, न्यू बैट्समैन ने गणेश मुंडे आए हैं न्यू बैट्समैन, देखना है अपनी टीम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं अपनी टीम के लिए, सामना करेंगे डॉन का, गणेश मुंडे सामना करेंगे डॉन का। डॉन एम्पायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और उसे उछाल दिया है स्क्वायर लेग एम्पायर के सर के ऊपर से, एक दो खिलाड़ियों जब तक वहां पर बैल लगाते गेंद को फील्ड करते दौड़कर दो रन पूरे कर लिए, बहुत अच्छी रनिंग दौड़ के दो रन पूरे किए, धीरे धीरे ही सही अपने टीम के स्कोर को गति दे रहे हैं, बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा आयोजन है, बहुत ही अच्छे इसके आयोजक हैं, सब कुछ शानदार होता हुआ। ये गेंद, अच्छी गेंद, उसे उठाल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, फील्डर वहां मौजूद और उसने लपक लिया गेंद को, कैच आउट लगातार इस ओवर में, दूसरी सफलता अर्जित की है डॉन ने, एक बार उनकी टीम जो बैक फुट पर जा रही थी लगातार तीसरे ओवर तक कोई विकेट नहीं गिरा था, वहीं दो ओवर की समाप्ति पर जब तीसरा ओवर चालू किया डॉन ने, तो इस ओवर में इस ओवर में दो विकेट निकाल के अपनी झोली में डाल लिए डॉन ने, तीसरा ओवर समाप्त करते करते दो बैट्समैन पवेलियन लौट चुके हैं और टोटल टीम का स्कोर है 24 रन, दो विकेट के नुकसान पे 24 रन। नए बैट्समैन ने सलमान, काफी अनुभवी बैट्समैन है, काफी पुराने बैट्समैन है, देखना है पुराना चावल कितनी देर में अपना कमाल दिखाता है, काफी अच्छा अनुभव है उनको क्रिकेट का, अंपायरिंग का भी अनुभव है उनके पास, इस सीरीज के पहले वाले सीरीज में हमने देखा उनको। सिराज नए बॉलर चौथा ओवर लेके चले तैयार, उनकी ये गेंद और उसे लॉन्ग आउट की दिशा में उछाल दिया है, गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकुश लेफ्ट हैंड बैट्समैन, आकर्षक शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, तो बॉल लेने को चाहिए कि बॉल लाने को भी है, हमारे आयोजक महोदय से निवेदन है कि जो गेंदें
अत्यधिक दूर चली जाती है सीमा रेखा के बाहर, जहां फील्डरों का पहुंचना समय व्यस्त करना है, वहां पे अपने अतिरिक्त क्षेत्र रक्षक को लगा दें, जिससे कि गेंद खोजने में कोई दिक्कत न हो और गेंद जल्दी बॉलर तक पहुंचाई जा सके, जिससे समय की बचत होगी और एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पहली हुई गेंद पे 6 रन, दूसरी गेंद लेके तैयार। ये गेंद बैट्समैन की पहुंच से बाहर, इंपायर का इशारा वाइड बॉल का। बढ़ता हुआ स्कोर इस एक अतिरिक्त रन के सहारे 31 रन। नए बॉल के लिए तैयार। ये गेंद उसे हाफ बॉली पे लेकर लेग साइड में ड्राइव कर दिया है। गेंद जब तक फील्ड की जाती, दौड़कर 1 रन पूरा किया और अंपायर का इशारा नो बॉल। अंपायर का इशारा नो बॉल। बहुत कुछ देखना पड़ता है अंपायर को इन 2 रनों की मदद से। 33 रन, 1 रन दौड़कर पूरा किया गया जो बैट से आया, 1 रन नो बॉल का। फ्री हिट का सामना करेंगे नए बैट्समैन सलमान तैयार सिराज का सामना करने के लिए। ये गेंद और पूरी तरीके से बीट हुई, गेंद विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। सलमान सामना कर रहे हैं सिराज का। बहुत ही अच्छी गेंद, उसे उठा के खेलना चाहते थे, बैट के निचले हिस्से से टकराई गेंद और उसको लगे के अंपायर के ऊपर से गई है गेंद। अब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया गया, 34 रन। इसे 1 रन के सहारे 34 रन। चौथा ओवर प्रगति पर है, फील्ड में तब्दीली, क्योंकि बैटिंग टीम में तब्दीली हुई है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग पर मोर्चा संभालेंगे। ये गेंद और उसे फाइट करार दिया अंपायर ने, हाफ पिच पे टिप्पा दिया गेंद को। गेंद उठकर काफी ऊंचाई से गेंद विकेट कीपर तक पहुंची, अंपायर का इशारा फर्स्ट बाउंस एंड वाइड। अगली गेंद, ये गेंद और उसे उछाल दिया है बॉलर के सर के ऊपर से, देखना है क्या होता है। और ये लपट लिए गए वहां, बहुत ही मुस्तैद फील्डर, इसके साथ विकेट का पतन होता हुआ, अंकुश के विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही अच्छा योगदान उनका अपनी टीम के लिए, उनके अंकुश की जगह लेने आए हैं किरण। लेफ्ट हैंड बैट्समैन किरण, व्हाइट टोपी व्हाइट टी शर्ट के साथ, धीरे धीरे कदमों से ग्राउंड के बीचों बीच, जहां से उनको अपनी बैटिंग का दम दिखाना है, वहां पर पहुंचकर स्ट्राइकिंग मोर्चा संभालेंगे। ग्राउंड के सामने से धीरे धीरे लौह पथ गामिनी, ये गेंद उसे हल्के हाथों से खेल दिया है कवर की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड करते, तब तक दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लौह पथ गामिनी, जिसका शुद्ध हिंदी शब्द है रेलगाड़ी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं ट्रेन कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन उसका शुद्ध हिंदी शब्द है लौह पथ गामिनी। वो हमारे ग्राउंड के सामने से धीरे धीरे निकलती हुई, इसी बीच एक खूबसूरत शॉट सलमान के द्वारा, बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, 40। दोनों बैट्समैनों में कुछ मशविरा होता हुआ, बहुत ही अच्छा आकर्षक शॉट कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए देखने को मिला। इस इनिंग का अंतिम 5वां ओवर,
नए बॉलर आए हैं पांचवा ओवर इस इनिंग का अंतिम ओवर फेंकने के लिए। बॉलर कौन है? रोहित। रोहित का सामना करेंगे किरण, लेफ्ट हैंड बैट्समैन किरण। ज्यादातर फील्डर किरण के लिए बाउंड्री लाइन पर लगाए गए हैं कि किसी भी संभावित कैच को लपकने में कोई कसर न छोड़ी जाए। डॉन काफी हिदायत देते हुए अपने साथी फील्डरों को, काफी चुस्त तंदुरुस्त। रोहित चले उनकी ये गेंद उठा के मारना चाहते थे, डीप हुए चारों खाने चिप, बॉल विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। डॉट बॉल बगैर किसी रन के। रोहित अपनी टीम के लिए इस इनिंग के लिए अंतिम ओवर फेंकते हुए लंबे लंबे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद और उछाल दिया है उसे स्क्वायर लेग की तरफ और ये छह रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इन छह रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। किरण का आकर्षक लाजवाब शॉट कलाइयों का प्रयोग करते हुए उछाल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर, छह रन। रोहित अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद फिर से वही शॉट, उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन पर खड़ी फील्डर से, गेंद रुकी नहीं और गेंद हवाई सफर करती तय करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, मतलब 52 रन। इन छह रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन, 52। बैटिंग टीम की 50 पूरी हो चुकी है, अपने एंगल को बदला है, अपनी साइड को चेंज किया है रोहित ने। अभी उनकी तीन गेंदें फेंकी जाने से लगातार दो गेंदों पर दो छक्के पड़ चुके हैं, क्या होगा इस गेंद पे आने वाला समय बताएगा। और ये गेंद विकेट कीपर से मिस फील्ड, गेंद उनसे रुकी नहीं, जब तक गेंद थर्ड मैन का फील्डर फील्ड करता तब तक दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने, और इसी बीच दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, रन आउट। दूसरा रन लेना चाहते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुए और ये रन आउट। गेंद वाइड, वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। सलमान के विकेट का पतन होता हुआ 54 रन, बढ़ता हुआ स्कोर एक अतिरिक्त रन के सहारे 54 रन। न रबड़ी में मजा है न जलेबी में मजा है, न रबड़ी में मजा है न जलेबी में मजा है, जितना कि खुजली को खुजाने में मजा है। रोहित चले उनकी ये गेंद किरण के लिए और पूरी तरह से चारों खाने चित हुए। किरण की समझ में नहीं आई गेंद, स्पीड का कुछ परिवर्तन, गेंद ने कमाल दिखाया, गेंद विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। मच्छर ने तुमको काटा उसका जुनून था, तुमने खुजलाया क्योंकि खुजलाने में सुकून था। इसी बीच रोहित उनकी ये गेंद किरण के लिए, किरण उछाल कर मारना चाहते थे लेकिन बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, फिर से वही मिस स्टैंडिंग। दोनों बैट्समैन एक ही शोर पे सुरक्षित, बॉलर ने अपना काम किया, गेंद बॉलर तक पहुंची, उन्होंने रन आउट किया। मच्छर ने तुमको काटा ये उसका जुनून था, तुमने खुजलाया क्योंकि खुजलाने में ही सुकून था, जी में आया मसल दूस साले को, बाद में सोचा यार इनमें अपना ही खून था, बाद में सोचा यार इनमें अपना ही खून था। लगातार रोहित की दो गेंदे, दोनों गेंदे विकेट कीपर से रुकी नहीं, ये कुदरत का करिश्मा ही है जिसको थर्ड मैन पर खड़े छोटे फील्डर ने फील्ड किया और दोनों ही गेंदों पर दोनों बैट्समैन एक ही छोर पर सुरक्षित थे, तब उनको रन आउट किया गया, अंपायर ने रन आउट का इशारा किया। लगातार दो गेंदे दो रन आउट। टोटल स्कोर अशरफ चौवन 54, 54 रन के स्कोर पर दो विकेट, एक गेंद बची इस पांचवें ओवर की, एक गेंद से
क्या कर सकते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस गेम पे, क्या चल रहा है रोहित के दिमाग में। लंबे लंबे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद और बैट का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची लेकिन छिटक गई। इस बीच दौड़ कर एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, तीसरे रन के लिए जा रहे हैं और एक तीसरा रन भी पूरा कर लिया और एक चौथे रन में क्या हुआ है इसका निर्णय आना बाकी है। तीन रन इस बॉल पे, तीन रन बेल से पहले गिर गई थी गेंद बाद में लगी, इसलिए चौथा रन भी पूरा माना जाएगा। दोनों बैट्समैन सुरक्षित और दौड़कर चार रन पूरे किए अपनी टीम के लिए। इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर 58 का स्कोर पूरा किया है। इसको अगर इस मैच को जीतना है तो 59 तक पहुंचना होगा। फिफ्टी नाइन जो टीम पहुंचेगी वो विनर होगी। बैटिंग टीम को 59 तक पहुंचना है, बॉलिंग टीम को 59 से पहले इनको पवेलियन का रास्ता दिखाना है। एक जन को भेजो, बोलो डॉन भाई को इधर। इनका का नाम बताओ, रह जो नहीं बैठे हैं, बहन लाल टी शर्ट में, एक बीड़ी, एक बीड़ी 17 काड़ी सुरेश 20 से। भाई साहब के लिए दो लाइनें, भाई साहब के लिए दो लाइनें कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हो महज लाइन नहीं हूं
और हिंदी हूँ, इंग्लिश हूँ, महज साइंस नहीं हूँ, और हर तरह का सिम पचा लेता हूँ शौक से, मैं सेट हूँ नोकिया का, रिलायंस नहीं हूँ, हर तरह का सिम पचा लेता हूँ शौक से, मैं सेट हूँ नोकिया का, रिलायंस नहीं हूँ। बैटिंग टीम के तरफ से हमारी गुजारिश है कि अपना एक प्लेयर हमारे पास भेज दें, किरण और आशीष दो ओपनर बल्लेबाज, उस लक्ष्य जो लक्ष्य उनको मिला है उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहुंचे हैं दो ओपनर बैट्समैन किरण और आशीष। पहला टीम कौन सा संकल्प प्लेयर स्ट्राइक किरण सामना करेंगे बॉलर का, बॉलर नेम क्या है सलमान का। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, कदमों से टकराई गेंद और जब तक पॉइंट पर खड़े फील्डर जब तक पॉइंट की दिशा में गई गेंद जब तक विकेट कीपर दौड़ कर ग्राउंड को फील्ड करते एक रन लेने का मौका सिद्धिविनायक कालेवाड़ी दोनों बैट्समैनों के पास, दौड़कर एक रन पूरा किया। मैं जो मांगता हूँ जो तू वह दे दे, मैं जो मांगता हूँ जो तू वह दे दे, मुझे एक जीने की वजह दे दे, मैं भटक रहा हूँ सेंट मैसेज की तरह, अगर कहीं ना हो तो इन बात से मैं जगह दे दे, अगर कहीं ना हो तो इन बात से मैं जगह दे दे। पहली गेंद बहुत अच्छी सलमान की, दूसरी गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, चारों खाने चिप बैट्समैन, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद, विकेट कीपर के ग्लब में सुरक्षित। हाँ एक बॉल डॉट, सलमान चले आशीष के लिए, आशीष लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उनके लिए राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं सलमान। ये गेंद अच्छी गेंद है, उसे हल्के हाथों से ग्लांस किया है लेग साइड में, बैट्समैनों के पास अपना छोर बदलने का और वही किया भी, बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। संकल्प 11 सिद्धिविनायक कालेवाड़ी, रोकड़े 11 चिकली और एक विनर। फील्डिंग में कुछ तब्दीली, इसी बीच अगली गेंद और उसे उठा के मारना चाहते थे, फील्डर वहां मौजूद, गेंद उसके हाथों में सुरक्षित लपक ली गई बगैर जमीनी संपर्क हुए। इस तरीके से पहले विकेट का पतन होता हुआ किरण के रूप में, किरण के रूप में पहला विकेट का पतन होता हुआ। संकल्प 11 पुलिस टीमें ध्यान दें, संकल्प 11 पुलिस, रोकड़े 11 चिकली, सिद्धि विनायक कालेवाड़ी, तीनों टीमें आकर, तीनों टीमों के कप्तान महोदय से हमारा करबद्ध निवेदन है कि आकर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। लॉर्ड्स के लिए तीनों टीमों के कैप्टन से हमारा निवेदन है कि आएं और आगे की कार्रवाई उनकी उपस्थिति में की जाए, उनकी उपस्थिति अति आवश्यक है। कल्पना से कड़ा पाषाण नहीं हो सकता, भावना से बड़ा भगवान नहीं हो सकता, देवता की तरह पूजते हैं लोग मगर हर आदमी इंसान नहीं हो सकता, हर आदमी इंसान नहीं हो सकता। इसी बीच अगली गेंद पैरों से टकराकर, डॉन के पैरों से टकराकर गेंद वही दम तोड़ती हुई, कोई रन नहीं। बॉलर चले अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, डॉन के लिए ये गेंद अच्छी गेंद है, उसे अपर कट किया है, फील्डर वहां मौजूद लेकिन दो फील्डरों के बीच से गेंद चकमा देती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस पर फोर, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन, छह रन हो गया। बोलो
पहला ओवर, पहले ओवर की समाप्ति पर 6 रन और एक विकेट है ना, एक विकेट के नुकसान पर 6 रन बनाए हैं बैटिंग टीम ने पहले ओवर में। हमारे राजू भैया सरदार जी एम्पायरिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर ग्राउंड के बीचों बीच उपस्थित, अति दर्शनीय उपस्थित। संकल्प 11 पुलिस, संपर्क करें, कमेंट्री बॉक्स में आकर उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, लॉट्स के लिए उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। गणेश मुंडे अपनी टीम का दूसरा ओवर, अपना पहला ओवर लेकर ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए। अपने रनअप का जायजा लेते हुए स्ट्राइकर बैट्समैन किसान आशीष सामना करेंगे गणेश का। ये गेंद उसे कट करना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित और एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल। पहली गेंद व्हाइट बॉल पे नियंत्रण लगाना होगा, अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाना होगा। ये गेंद अच्छी गेंद, उतना ही जबरदस्त प्रयास, उछाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही लंबा सफर तय किया गेंद ने, हवा हवाई शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद जाके गिरी है, काफी अच्छा आकर्षक शॉट। धीरे धीरे गेंद बॉलर तक पहुंचाती हुई, बैट्समैन ने गेंद का मुआयना किया, गेंद बॉलर को भी, धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए। ये गेंद और उसे स्क्वायर लेग अंपायर के ऊपर से कट किया है, गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बहुत करीब से जाती हुई और इसी बीच बाउंड्री लाइन सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया। इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए आशीष ने, इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन। दूसरा ओवर प्रगत पर, कालेवाड़ी के कैप्टन, ये गेंद अच्छी गेंद, उसे लेग साइड में कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है, 2 फील्डर उसके पीछे तैनात हैं, जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। गणेश का सामना करने के लिए तैयार डॉन इनटू द क्रीज। तीनों कैप्टन इसी बीच अगली गेंद उसे लेग साइड में हल्के हाथों से खेला है, लेकिन गेंद के पीछे करारा शॉट और ये दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। गणेश तैयार आशीष के लिए, लंबे लंबे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद और गेंद के पीछे काफी ताकत, वो ताकत उनकी व्यर्थ गई क्योंकि एम्पायर ने व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया, गेम इसलिए व्हाइट बॉल का इशारा। अगली गेंद, ये गेंद हल्के हाथों से ग्लांस करना चाहते थे, गेंद ने बैट का बाहरी सिरा लिया और विकेट कीपर के ग्लव्स में समा गई गेंद। इस तरीके से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ दूसरा ओवर दूसरा विकेट। नए बल्लेबाज सिराज
आशीष की जगह पहुंचते हुए। दो टीमों के बीच टॉस होता हुआ, सिक्का उछला, जमीन पे गिरा, क्या होता है समय बताएगा। पुलिस इलेवन ने टॉस जीता है, निर्णय अपना बताएंगे कुछ ही क्षणों में। इस बीच गणेश चले सिराज के लिए, ये गेंद और हल्के हाथों से कट की करना चाहते थे, गेंद उनके पहुंच से काफी बाहर थी, गेंद पे छेड़ खानी की नतीजा अपना विकेट गंवाना पड़ा। गेंद से छेड़ खानी करना महंगा पड़ा, नतीजा अपना विकेट गंवाना पड़ा। उनकी पहुंच से काफी दूर थी गेंद, अगर वो देखते रहते गेंद को जाते हुए तो भी कोई नुकसान नहीं था। दो ओवर की समाप्ति पर 18 रन और तीन बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण तीन विकेट का पतंग होता हुआ। हरा भरा खूबसूरत ग्राउंड, रोहन न्यू बैट्समैन, रोहन पहुंचे हैं अपने साथी बैट्समैन जो ओपनिंग कर रहे थे डॉन, उनका साथ देने के लिए। बॉलर सलमान है ना, सलमान राइट हैंड राउंड दी बॉलिंग, सलमान चले, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद नहीं कही जाएगी, ये वाइट बॉल का इशारा। हेलो, हाँ हेलो, का बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। चार विकेट के नुकसान पर डॉन के आउट होने के बाद न्यू बैट्समैन रोहित। रोहित रोहन की जोड़ी देखिए क्या कमाल दिखाती है। गेंदबाज सलमान, एक सुंदर स्ट्रेट ड्राइव शॉट चार रन के लिए और बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। 23 रन सलमान अपनी अगली गेंद लेकर। काफी सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं सलमान, इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन।
रन आउट और एक रन। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 25 रन। रोहित रन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। बैट्समैन नेम समीर, न्यू बैट्समैन समीर, सतीश, न्यू बैट्समैन सतीश, काफी अच्छी गेंदबाजी सलमान के द्वारा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति पे 25 रन। बारह बॉल में 34 रन चाहिए जीतने के लिए। पंडित जी, भाई के छत्र छाया में रहना, इतने आगे बढ़ोगे ना नजर नहीं आएंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी, ये डॉट गेंद। गेंदबाज अंकुश लोहार, इस दो रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। अब मैच का सिचुएशन, 10 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 32 रन। वन बाउंस फोर, बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31 रन। अब जीतने के लिए 9 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। काफी अच्छा स्ट्रेट है का ये शॉट। काफी अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। इन दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन 33 रन। आठ गेंदों में 26 रन की जरूरत जीतने के लिए। वाह, और ये आउट। काफी अच्छा शॉट था, काफी अच्छा शॉट तो नहीं कहा जाएगा, पूर्ण रूप से बैट और बॉल का संपर्क नहीं हुआ, इसलिए गेंद काफी ऊपर हवा में और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने गेंद को अपने हाथों में सुरक्षित लिया, इस तरीके से विकेट का पतन होता हुआ।
अंतिम 7 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं और इन 7 गेंदों में बैट्समैन को 26 रन बनाने अनिवार्य हैं। अगर वो 26 रन का सफर नहीं तय कर पाते हैं तो उनकी हार मानी जाएगी, उनकी शिकस्त मानी जाएगी। बहुत न्यू बैट्समैन, बहुत अच्छी बॉलिंग। ये बॉल इसी बीच अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद, विकेट कीपर के ग्लव्स में सुरक्षित। ओवर की समाप्ति, अंतिम ओवर, 6 गेंदे शेष, 26 रनों का लक्ष्य शेष। 6 गेंद 26 रन, अभी तक जितने भी मैच हुए हैं इसमें लगभग कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि अंतिम ओवर में जरूर पहाड़ जैसा लक्ष्य सामने हुआ है और अंतिम 6 गेंदे सामने हुई हैं। कोई युवराज सिंह बन नहीं पाया है अभी, इस ग्राउंड का हीरो कौन होगा देखने वाला समय बताएगा। ये गेंद और उसे हल्के हाथों से कट किया है आप साइड में, जब तक दौड़कर फील्डर फील्ड करता गेंद को, दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए दोनों बैट्समैनों ने। इन 2 रनों की मदद से 26 रन के स्कोर में 2 रन कम हुए हैं, इस तरीके से 5 बॉल 24 रन, 5 गेंदे उनके पास हैं, 24 रनों का लक्ष्य है, क्या कर सकते हैं बैट्समैन। अगली गेंद लेफ्ट हैंड ओवर दी, ये गेंद बिल्कुल यॉर्क, लास्ट गेंदों में जो चाहिए बॉलर को बिल्कुल वही कर रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पर गेंद गई, जब तक उसे फील्ड किया जाता दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। गलत थ्रो, खराब थ्रो, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लगातार 2 रन थ्रो में दौड़ रहे हैं बैट्समैन, क्रीज पर पहुंच पाएंगे कि नहीं, और ये नहीं पहुंच पाए। टोटल 3 रन आए हैं इस बॉल पे, 1 रन आउट हो गया जो 4 रन के लिए भाग रहा था। एनर्जी कम लगाई या समय कम था ये तो वो ही बता सकता है जो मौके पर दौड़ रहा हो, भाग रहा हो। विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में। चार बॉल शेष, 21 रन आने शेष, क्या 4 गेंदों पे 21 रन बन सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद उठा के मारना चाहते थे, उसको बीट हुए चारों खाने चित, बैट बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में सुरक्षित। हवा हवाई सफर दिखाना पड़ेगा, बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचाना पड़ेगा, तभी ये पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल हो सकता है। इसी बीच अगली गेंद उसे कवर दिशा में उछाल कर खेलना चाहते थे, गेंद ने 2 टिप्पे लेकर फील्ड के हाथों में तक पहुंची, फील्डर के हाथों तक, बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया। दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बैट्समैनों ने। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिला। ये गेंद नए बैट्समैन बिल्कुल उछाल देना चाहते थे गेंद को, गेंद उनकी पहुंच से बाहर, गेंद बॉल का कोई संपर्क नहीं। अगली गेंद फेंकने के लिए बॉलर तैयार, बैट्समैन सामना करने के लिए तैयार, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और वो ओवर की समाप्ति। इस तरीके से श्रुतेज 11 ने मैच जीत लिया है। श्रुतेज 11 विजयी घोषित हुई।